हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंसर्ट टेबल के बारे में। इंसर्ट टेबल में किस किस चीज़ का कैसा यूज़ करना है, किस टाइप में वर्क होता है, ये सारा चीज़ आज हम लोग एक इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला आता है कवर पेज। कवर पेज का काम क्या होता है कि इस पेज में हम लोग जिस टाइप का हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं तो हम लोग कवर पेज का यूज़ तभी हम लोग करते हैं। तो जिस टाइप का हम लोग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग को जैसा पेज का कवर चाहिए हम लोग वैसा पेज का कवर ले सकते हैं। देखिए यहाँ अलग अलग टाइप का अलग अलग कवर है। जिस डिज़ाइन का आपको ज़रूरत है वैसा डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के लिए। तो हम लोग सेलेक्ट किए किसी भी एक कवर पेज को, क्लिक करने के बाद वो कवर पेज के आ गया मेरे शीट में, मेरे पूरा पेज में वो अवेलेबल हो जाएगा, आ जाएगा। इस टाइप में पूरा पेज में हमारा अवेलेबल हो चुका है। अब इस पे आप आने के बाद जहाँ जहाँ टाइप लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करके आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपनी वर्क के अकॉर्डिंग। जैसा जो भी टाइप करना है आप वर्क के अकॉर्डिंग आप टाइप कर सकते हैं। इस टाइप पे आप कवर पेज को तैयार किया जा सकता है। दोस्तों अब इसको हटाना है यदि हमें कवर पेज को, या चेंजेस करना है तो फिर हमें कवर पेज में जाना है। कवर पेज में जाने के बाद आपको जिस टाइप का आपको पेज आप लेना है, चेंज करना है, वैसा आप पेज पे क्लिक कर दीजिए। देखिए वो हमारा चेंज हो जाएगा, उस लेवल में हमारा चेंज हो चुका है। यदि आप इस कवर पेज को हटाना चाहते हैं तो कवर पेज में जाकर रिमूव पे क्लिक करेंगे, रिमूव कवर पेज यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो पेज क्या हो जाएगा, रिमूव हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। नेक्स्ट टूल है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का काम क्या होता है कि इसी डॉक्यूमेंट्स में और आगे हमको पेज का काम होता है तो इसी डॉक्यूमेंट्स में और आगे पेज लेने के लिए हम लोग ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। ये दोनों का वर्क सेम ही होता है, इसी डॉक्यूमेंट्स में और आगे आपको जितनी पेज लेना है तो आप वो चीज़ ले सकते हैं ब्लैंक पेज या कवर पेज के अकॉर्डिंग। देखिए अब हमको देखना है कि नंबर ऑफ पेज कितना है। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में पेज हम लोग का टोटल 1 है, पर और हम लोग है एक ही पेज के नंबर में। जो लास्ट में 1 दिखा रहा है वो बताता है टोटल पेज कितने हैं, और आगे का फर्स्ट का जो 1 दिखा रहा है वो हम लोग बताता है कि हम लोग किस पेज में हैं। अब देखिए दोनों 1 1 है, इसमें हम लोग को और आगे पेज लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये क्या आ गया, 2 पेजेस हमारा अवेलेबल हो चुका है यहाँ पर दिख रहा है। यदि हम लोग फर्स्ट पेज में क्लिक करते हैं तो देखिए नंबर ऑफ पेज 2, लेकिन है हम लोग 1 पेज नंबर पे। आप यदि और पेज लेना है आपको तो ब्लैंक पेज भी कर सकते हैं, ठीक है, या पेज ब्रेक कर सकते हैं, दोनों का काम सेम होता है। देखिए टोटल आ गया 3 पेज, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है टेबल। टेबल में हम लोग क्लिक करके जितना रो जितना कॉलम का हम लोग को टेबल जनरेट करना है यहाँ पर हमें उतना बॉक्स पर टिक मार्क कर देना है। क्लिक कर देंगे तो उतना रो उतना कॉलम का हम लोगों का टेबल जनरेट हो जाएगा। और टेबल को जनरेट होने के बाद ये हमारा डिजाइन का ऑप्शंस खुल जाएगा। यदि टेबल के बाहर क्लिक है यानी टेबल पे हम लोग सेलेक्ट नहीं किए हैं तो डिज़ाइन का ऑप्शन हट जाएगा। टेबल पे यदि टिक मार्क है तो ही डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा।
टेबल पे हम लोग क्लिक करने के बाद डिजाइन का ऑप्शन आया। डिजाइन के ऑप्शंस में आने के बाद इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे हमने होम टूल के में ही आपको बता दिया था सारे चीज़ कि इसकी डिज़ाइन का फंक्शंस। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा कलर है। हर एक बॉक्स का आप कलर को चेंजेस कर सकते हैं, क्लिक करके पार्ट वाइज पार्ट आप हर एक बॉक्स का कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑल टोटल्स पार्ट्स का कलर को चेंज कर सकते हैं एक क्लिक में। इस जगह से आपको इंडिविजुअल आपको कलर चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ से आप एक बार में कलर को बॉक्स को चेंज कर सकते हैं। यदि हमें लाइन को चेंजेस करना, तो यहाँ से लाइन को आप सिलेक्ट करके आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को, और यहाँ से कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कलर चेंज करना है वैसा आप कलर को चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का यहाँ से इरेज कर सकते हैं आप टेबल को, इरेज हो चुका है। फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, टूल टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करके जितना रो जितना कॉलम चाहिए उतना आप एक बार में जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमको चाहिए 50 कॉलम और 20 रो, हमने दे दिया। देने के बाद ओके पे क्लिक किए तो एक बार में हम लोगों का 50 कॉलम और 50 रो का 20 रो का टेबल हमारा जनरेट हो जाएगा। देखिए इस टाइप में एक बार में तुरंत जनरेट करना है, जितनी भी रो जितनी भी कॉलम, तो आप इंसर्ट टेबल में आप जनरेट कर सकते हैं। ये सारा फंक्शंस वही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप इतनी दूर अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद चलिए नेक्स्ट की ओर। फिर उसके बाद आता है पिक्चर्स, पिक्चर्स टूल्स। पिक्चर्स टूल्स का काम क्या होता है कि कोई भी प्रकार का हमारा पिक्चर्स को अपने डॉक्यूमेंट में लगाना हो लाना हो, तब उस कंडीशंस को करने के लिए पिक्चर्स टूल्स का यूज़ करते हैं। किसी भी प्रकार का पिक्चर्स अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाने के लिए, तो जहाँ भी पिक्चर्स है आप उसकी मदद से ला सकते हैं। आपका पिक्चर्स आपका फोटो में हो, म्यूजिक में हो, डाउनलोड में हो, डॉक्यूमेंट में हो, डेस्कटॉप में हो, जहाँ भी पिक्चर्स हो आप उस पिक्चर्स को अपने ये में लगा सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे लाएंगे। पिक्चर्स पे आपने क्लिक किया। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर्स हमारे पेज में आ जाएगा। आने के बाद पिक्चर्स को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस कॉर्नर में देखिए पॉइंट बाई पॉइंट 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 दिख रहा है, तो इस टाइप में एरो आएगा। एरो पे आप क्लिक करके इस पिक्चर्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स एडजस्ट हो गया, जितना भी छोटा बड़ा करना, तो इस टाइप में एरो आएगा, तीर मार्क का निशान आएगा, तभी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा चाहें, अदरवाइज नहीं। इस पिक्चर्स में क्लिक है तो भी यह फॉर्मेट का ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा, अदरवाइज पिक्चर्स में क्लिक नहीं रहेगा तो वो फॉर्मेट का ऑप्शन हट जाएगा। पिक्चर्स में क्लिक है तो फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, पिक्चर्स से क्लिक हट जाएगा तो फॉर्मेट का ऑप्शन भी हट जाएगा। तो पिक्चर्स में क्लिक करने के बाद ही हम लोग फॉर्मेट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट है ब्राइटनेस के लिए। यहाँ से आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा डॉक्यूमेंट है। ये भी ब्राइटनेस के लिए है। कलर ब्राइटनेस जैसे सेट करना है वैसा आप सेट कर सकते हैं ब्राइटनेस को, कलर ब्राइटनेस को। ये कलरिंग के लिए है, जैसा कलरिंग करना है रेड ब्लू ग्रीन पिक्चर्स का वैसा आप कलरिंग को सेट कर सकते हैं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होता है, रंगीन फोटो होता है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये कवर, ये हमारा फ्रेम है।
ये जो हमारा क्या है, फ्रेम, फ्रेम टूल्स। फ्रेम टूल्स में हम लोग जिस टाइप का फोटो का फ्रेम डाला जाता है, वैसा हम लोग फ्रेमिंग को जनरेट कर सकते हैं पिक्चर्स को। जिस टाइप का हमको जरूरत है वैसा हम लोग जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से फ्रेमिंग, फ्रेमिंग कर सकते हैं हम। यदि हमको किसी अदर शेप्स में ड्रॉ करना है, तो अदर शेप्स में भी पिक्चर्स को चेंजेस कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। जैसा चेंज करना है वैसा हमें चेंज हो चुका है। यहाँ पर पिक्चर्स शेप्स में जाना है, जैसे चेंजेस पे क्लिक करना है वैसे हम लोग क्लिक कर दिए वैसा चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसका जो बॉर्डर है उसका कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये बॉर्डर का कलर है, जैसा बॉर्डर का कलर लेना है वैसा बॉर्डर का कलर को क्लिक कीजिए, वैसा का बॉर्डर का कलर मेरा चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद ये जो बॉर्डर है उसकी लाइनिंग को भी हम लोगों को डार्कनेस कम ज़्यादा करना है, तो फिर बॉर्डर पे जाकर यहाँ से लाइनिंग को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा लेना है वैसे क्लिक कीजिए, वैसा लाइनिंग हमारा एडजस्टेबल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग पिक्चर्स का इफेक्ट लगा सकते हैं, अलग अलग टाइप्स का इफेक्ट है। जैसा पिक्चर्स का इफेक्ट लगाना वैसे क्लिक कीजिए, पिक्चर्स का इफेक्ट ऐसा लगते जाएगा। जिस टाइप में लगाना है उस टाइप का हम लोग इफेक्ट शेडो लगा सकते हैं। एनीथिंग, जिस टाइप का भी आपको लगाना है वैसा हम लोग लगा सकते हैं। देखिए उसके बाद है पोजीशंस। पोजीशंस मतलब होता है उस पिक्चर्स को कहाँ रखना है, वो पोजीशन आप दे सकते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जहाँ भी देना है। ये जो पिक्चर्स है उसका पोजीशन हमारा सेट हो जाएगा, जहाँ भी रखना है उस पिक्चर्स को, यहाँ पर पोजीशन को आप सेट कीजिए, वो ऑटोमेटिक मूवेट हो जाएगा। खुद से मूवेट करना है तो उसके लिए टैक्स वेब में जाकर स्क्वायर पे क्लिक करेंगे। स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद इस पिक्चर्स को आप सेलेक्ट कीजिए माउस से लेफ्ट क्लिक के साथ। अब जहाँ रखना है वहाँ हम लोग रख सकते हैं उस पिक्चर्स को। इस पेज में जहाँ रखना है तो माउस के लेफ्ट क्लिक दबाकर उस पिक्चर्स को ले जाइए, वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है रोटेट करने के लिए। इस पिक्चर्स को जितना रोटेट करना है 90 डिग्री में आप रोटेट कर सकते हो, 90 डिग्री में रोटेट होते जाएगा पिक्चर्स हमारा। देखिए 90 डिग्री में पिक्चर्स रोटेट होते जा रहा है। अब उसके बाद देखिए इस पिक्चर्स जो है ये ओम है, इसको इधर करना है स्वास्तिक को और ओम को उधर करना है, तो आप यहाँ से मूवमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। जिस टाइप का देखिए आगे स्वास्तिक इधर ओम उधर, यानी जिस पिक्चर्स को जिस टाइप में आपको चेंजेस करना है वैसा आप चेंज कर सकते हैं। ये अप डाउन के लिए है, यहाँ से रोटेट घुमा सकते हैं आप पिक्चर्स को। क्रॉप का यूज़ क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट को यदि कोई भी हटाना है, कोई छाटना है किसी पार्ट को, तो उतना दूर आप क्लिक कर सेलेक्ट कर लीजिए, उतना दूर हट जाएगा, बाकी रह जाएगा। ये होता है क्रॉप का माध्यम। जिसको भी एक्सटर्नल पार्ट को हटाना है उसको हटा दीजिए, जो बाकी रहेगा वो बच जाएगा। फिर साइड में क्लिक कीजिए, वो पिक्चर सेव हो जाएगा, आप फिर इसको बड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये था हमारा फॉर्मेट टूल के बारे में, इतनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। इसको हटाना है तो पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड के डिलीट बटन से आप उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का काम क्या होता है, क्लिप आर्ट का यूज़ जो भी माइक्रोसॉफ्ट का खुद की पिक्चर्स होते हैं इसको लाने के लिए हम लोग क्लिप आर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे भी डॉक्यूमेंट में जैसा वर्क होता है, जैसा काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ये पिक्चर्स होता है, उसको आप ला सकते हैं। यहाँ पर क्लिप आर्ट पे क्लिक किए हम लोग तो यहाँ पर इस टाइप का फाइल खुल जाएगा क्लिप आर्ट के नाम से। सर्च बार है, यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में चाहिए, जो पिक्चर चाहिए आपको, यहाँ पर टाइप कीजिए। जैसे हमको कार चाहिए तो हमने कार टाइप किया, गो पे क्लिक किया तो वो पिक्चर्स आ जाएगा कार से संबंधित। देखिए आगे, या हमको कुछ और पिक्चर चाहिए, ठीक है, जो कार से संबंधित जितने भी पिक्चर हो गए सारा चीज़ हमारा अवेलेबल हो जाएगा। यदि हमको पता नहीं कि क्या पिक्चर चाहिए, नाम नहीं पता, यदि हम सर्च नहीं कर पा रहे, तो आप डायरेक्टली गो पे क्लिक कीजिए, तो ऑल पिक्चर्स मेरे पास जितने भी होंगे सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो एरो दिख रहा है इसके माध्यम से आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं पिक्चर्स को।
बहुत सारे पिक्चर्स हमारे अवेलेबल हो गए हैं। जो भी पिक्चर्स हमें चाहिए उस पिक्चर्स पे आप क्लिक कीजिए, वो पिक्चर्स आपके डायरेक्ट स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएंगे। अवेलेबल हो जाने के बाद आप इस पिक्चर्स को फॉर्मेट का ऑप्शन, जैसे उसमें था सेम इसमें भी वैसे ही आ जाएगा फॉर्मेट का ऑप्शन, जैसे हम लोग सेप्स में कर रहे थे ना फॉर्मेट का ऑप्शन, सॉरी पिक्चर्स में, सेम टू सेम इसमें भी हमारा सेम ही होगा। पिक्चर्स पे क्लिक है तभी फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, क्लिक नहीं है तो देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन हट गया। पिक्चर्स पे क्लिक है तो फॉर्मेट का ऑप्शन आया, क्लिक हटाएंगे तो हट जाएगा। जैसे उस पिक्चर्स में काम था सेम क्लिप आर्ट का फॉर्मेट का भी यूज़ सब सेम ही है, ब्राइटनेस के लिए, फ्रेमिंग के लिए, सारा चीज़ वही कंडीशंस पे काम करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें थोड़ा एक्सटर्नल पार्ट और क्या है कि इसमें आप जो भी क्लिप आर्ट में जो भी पिक्चर्स लाते हैं क्लिप आर्ट के माध्यम से, तो क्लिप आर्ट से माध्यम से जो भी आप पिक्चर्स लाते हैं उस पिक्चर्स को आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। कैसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं देखिए, उस पिक्चर्स पे आप राइट क्लिक कीजिए, पिक्चर्स पे राइट, पिक्चर्स के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एडिट पिक्चर्स पे जाना है हमें। एडिट पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद अब जिस पिक्चर्स का कलर को चेंजेस करना है उस पिक्चर्स पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ से आप कलर को फिल कर सकते हैं। जिस टाइप का कलर को फिल करना है वैसा उस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से कलर को फिल कर सकते हैं। जिस टाइप का फिल करना है वो सारा कलर फिल हो जाएगा, देखिए इस टाइप में। इसमें क्लिप आर्ट में यही चीज़ आपको ऑप्शन देता है, मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं पिक्चर्स को जैसा चाहे वैसा। अब हटाना है तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है इस बॉर्डर पे हमें इस टाइप का कर्सर आएगा, इस टाइप का चारों टाइप में एरो टाइप में, उसमें क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा बॉक्स पिक्चर सेलेक्ट हो गया। यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, वो पिक्चर डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टूल सेप्स। सेप्स जिस टाइप का आपको डॉक्यूमेंट्स वर्क कर रहे हैं, जैसा हमको डॉक्यूमेंट्स में चाहिए सेप्स डिज़ाइन, कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो कोई, या डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए जैसा चाहिए आपको फाइलिंग, उस पर क्लिक कीजिए, उस टाइप का आप सेप को जनरेट कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। जैसे ये आ गया आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग, जैसा आपको हेडिंग वगैरह जनरेट करना हो तो इस टाइप का सेप्स को आप लेके जनरेट कर सकते हैं, हेडिंग वगैरह जिस टाइप का भी जनरेट करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे। इस पर टाइप करना हो यदि सेप्स के अंदर या सेप्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट टैक्स पे, एड टैक्स पे क्लिक करेंगे। एड टैक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस टाइप का हमको हेडिंग चाहिए वैसे हम लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने एडवांस कंप्यूटर लिख दिया, सेलेक्ट करके आप होम पे जाकर जैसा आपको साइज को एडजस्टमेंट करना है तो आप यहाँ साइज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे टूल्स के बारे में हमने बता दिया है पहला वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके आप प्लेलिस्ट है देख सकते हैं उस चीज़ को। यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं आप, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जैसा आपको सेट करना है वैसा आप सेट कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग। यहाँ से सेंटर को भी आप कर सकते हैं पिक्चर्स को, देखिए इस टाइप में आप सेप्स को लेकर सजा सकते हैं। जिस टाइप का आपको सजाना है वैसा आप सजा कर आप आगे जो भी वर्क करना है आप कर सकते हैं। अब ये जो सेप्स लिए हैं उसका भी हम लोग चीज़ बहुत चीज़ चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, सेप्स में क्लिक है तभी फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है, नहीं क्लिक रहेगा तो नहीं आएगा। इस पर हम लोग क्लिक किए तब फॉर्मेट का ऑप्शन आया, चाहे पिक्चर्स हो या क्लिप आर्ट हो या सेप्स हो, ये तीनों के लिए फॉर्मेट का ऑप्शन जरूर आता है यदि उसमें सेलेक्ट है तो। यहाँ से आप कलर को भर सकते हैं जैसा कलर लेना है, यहाँ से भी आप फिल कर सकते हैं कलर को अपने काम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग। यहाँ से बॉर्डर का कलर को आप फिल कर सकते हैं, जैसा बॉर्डर का कलर चाहिए वैसा बॉर्डर का आप कलर डाल सकते हैं। यहाँ से कोई अदर सेप्स में चेंज करना है तो आप अदर सेप्स में भी उसको चेंज कर सकते हैं, उस फाइल को जैसे चेंज करना है, जिस टाइप का सेप्स में करना है वैसे सेप्स में आप चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं शेडो, जिसका इफेक्ट जैसा लेना है इफेक्ट वैसा ले सकते हैं, नीचे ऊपर दाएं बाएं जैसा लेना है इफेक्ट वैसा हम लोग जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट का कलर भी चेंज करना, तो यहाँ इफेक्ट का कलर को भी आप सेट कर सकते हैं, जैसा सेट करना वैसा सेट हो जाएगा कलर। यहाँ से मूव इट कर सकते हैं इफेक्ट, जैसे मूव करना लेफ्ट राइट सेंटर, जहाँ मूव करना वैसा इफेक्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं। और ये सेम पोजीशंस वही है, रोटेट वही है, सारा वही है। इसको हटाना है तो बॉर्डर पे क्लिक करके आप डिलीट बटन प्रेस कीजिए, तो वो चीज़ हट जाएगा। सेप्स में टाइप करने के लिए सेप्स को पहले जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट करने के बाद उसके अंदर लिखने के लिए उस पर राइट क्लिक, सेप्स के अंदर ही राइट क्लिक और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसको लिख सकते हैं कुछ भी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बॉर्डर पे क्लिक करके फिर डिलीट पे बटन दबाइए, तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। नेक्स्ट टूल है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे हमने क्लिक किया, ये हमारा स्मार्ट आर्ट खुल गया। यदि इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, जिस टाइप का कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है, तो उसको जनरेट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल टूल्स होते हैं, बहुत हेल्प करता है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। खासकर आप साइंस लिए हैं, साइंस में केमिस्ट्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, या कोई प्रोजेक्ट है अपना बिजनेस के बारे में, कुछ एनिमेशन सेट करना हो तब इसके लिए हेल्पफुल है, ये सारा चीज़ उसके लिए काम आता है। तो जिस टाइप का आपको जैसे बिजनेस पर्पस चाहिए या कोई मार्केटिंग पर्पस चाहिए, जिस टाइप का डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए, तो जैसा आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह फाइलिंग करना हो, तब तो उसके लिए ये सारा टूल्स बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जिस टाइप का आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, वैसा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। होने के बाद जहाँ जहाँ टैक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप कर दिया O2, H2, H2O, इस टाइप में आप अलग अलग जैसा चाहिए वैसा आप टाइप कर सकते हैं। फिर इस डिज़ाइंस आपका स्मार्ट आर्ट पे क्लिक रहेगा तो आपका ये डिज़ाइन का ऑप्शंस अवेलेबल होगा। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक नहीं है तो आपका डिज़ाइन का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। स्मार्ट आर्ट पे आपने क्लिक किया तो डिज़ाइन का ऑप्शंस आ गया। डिज़ाइन के ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ से कलर, आप चेंजेस कलर कर सकते हैं। जैसा चेंज करना है वैसा डिज़ाइन का आपको कलर को चेंज कर किया जा सकता है। यहाँ से उस पूरा सेप्स का डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसा जिस डिज़ाइन चेंज करना है वो पूरा सेप्स का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। जिस टाइप का चेंज करना है वैसा डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं, उस सेप्स का जैसा हो वैसा आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पूरा सेप्स को ही, स्मार्ट आर्ट को ही आप चेंज कर सकते हैं। कोई दूसरा टाइप में लेना तो दूसरा टाइप में चेंज हो जाएगा। जैसा टाइप में चेंज करना है वैसा हम लोग यहाँ से स्मार्ट आर्ट को ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ कॉर्नर में एरो दिख रहा है, इस एरो पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस टाइप में लिस्ट खुल जाएगा, जैसा चेंज करना है वैसे पे क्लिक कीजिए, वैसा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। हटाना है तो बॉर्डर पे क्लिक और डिलीट के बटन पे प्रेस करेंगे, वो चीज़ हमारा हट जाएगा। नेक्स्ट टूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है चार्ट। चार्ट पे हमने क्लिक किया। चार्ट का काम क्या होता है, किसी भी ग्राफ को दिखाने के लिए इसका यूज हम लोग, ग्राफ मेंटेन होता है, जैसा शेयर मार्केट में होता है हमारा ग्राफिंग होता है ना, तो उसी टाइप का आपको किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है या कोई भी चीज़ है, उसको ग्राफिंग के रूप में आपको मैनेजमेंट दिखाना है, करना है, तो उसके लिए हम लोग ग्राफ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप का हम लोग का ग्राफिंग है, जैसा आपको ग्राफिंग का यूज करना है वैसा आप ग्राफ को यूज कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। हर एक तरह का ग्राफ है यहाँ पर, हर एक तरह का ग्राफ है, जैसा ग्राफ का यूज करना है वैसा आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी एक ग्राफ लेते हैं, लेने के बाद हम लोग ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद ये हमारा इस टाइप में एक्सेल फाइल के साथ वो हमारा खुल जाएगा। ये हमारा इधर चार्ट आ गया, ये हमारा एक्सेल फाइल के रूप में
से खुल गया। आप यहाँ पर जो भी डाटा आप टाइप करेंगे वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होते जाएगा, जिस टाइप का भी आप टाइप करेंगे यहाँ पर डाटा वो यहाँ पर मेंशन करते जाएगा। जैसे हमारे यही सब हेडिंग्स रहने देते हैं, सिर्फ हमारा जो नंबर है वो चीज़ हमारा चेंज करते हैं। आप यहाँ पर सारा चीज़ हेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हेडिंग चाहिए वैसा आप हेडिंग को डाल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यदि नाम ही डाल देते हैं, राम, रवि, विजय, अजय, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाम सारा चीज़ हमारा चेंजेस हो चुका है। नीचे में यहाँ आप सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, रेलवे जोन 2-3 भी चेंज कर सकते हैं। ये आप देखिए, अब सबका सैलरी सपोज हम लोग सेट करते हैं, सीरियल वन में 4,000। देखिए ग्राफ यहाँ हमारा क्या होगा, ग्राफ यहाँ हमारा सेट हो चुका है 4,000 के रूप में। इसमें डाल देते हैं 4,500, देखिए ये भी सेट हो गया। जिस टाइप में हम लोग यहाँ पर ग्राफिंग में डालते जाएंगे एक्सेल शीट में, यहाँ पर वो चीज़ सेट होते जाएगा। यहाँ डाल देते हैं 2,700, देखिए चेंज हो गया ना, यहाँ पर सेट हो गया ना। तो आप जिस टाइप का आप सेट करेंगे यहाँ पर सेट होते गया। राम का यहाँ भी जिसका डालना है डाल देते हैं, देखिए इसका भी सेट हो गया। देखिए इस टाइप में आप जिसका भी जितना भी डालना चाहें वो आप उतना पर डाल डाल के आप सेट कर सकते हैं। जितना रूप डालना है उतना डाल दीजिए, ऑटोमेटिक वो सेट होते जाएगा। फिर पूरा सेट कंप्लीट होने के बाद अब इसे हम एक्सेल फाइल को यहाँ से क्लोज कर देंगे। एक्सेल फाइल क्लोज किए तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा फुल स्क्रीन पे आ गया और सारा चीज़ मेरा पास सेट हो चुका है। ठीक है, पूरा सेट हो चुका है, सारा नाम इधर दिख रहा है, इस व्यक्ति का नाम इधर दिख रहा है। अब उसके बाद फिर डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट है चार्ट इसीलिए डिज़ाइन का ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। डिज़ाइन ऑप्शन होने के बाद यहाँ पर ये जो एरो दिख रहा है नीचे में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से आप चार्ट का कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा चेंज करना है वैसा कलर को चेंज कर सकते हैं चार्ट का, अलग अलग टाइप में जिस टाइप में सेट करना है वैसा आप सेट कर दीजिए, वैसा हमारा अवेलेबल हो जाएगा चार्ट। या चार्ट को ही चेंज करना तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं चार्ट को, चार्ट को या आप यहाँ पर जिस टाइप का जिस लेवल का चेंज करना है, अमाउंट के साथ जिस टाइप का भी आपको चेंज करना वो यहाँ से चार्ट चेंज हो जाएगा। जिस लेवल में आपको चाहिए उस लेवल को आप क्लिक कीजिए, वैसा आप लेवल में डाल सकते हैं। देखिए यहाँ से चार्ट चेंज हो रहा है ना अमाउंट के साथ, कोई नन अमाउंट के साथ। एच ग्राफ को चेंज करना है तो यहाँ से आप ग्राफ को पूरा चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जाकर अलग अलग टाइप का आप ले सकते हैं, जैसा अलग अलग लेना है तो चेंज चार्ट टाइप पे जाकर आप जैसा सेलेक्ट करेंगे वर्क कीजिएगा वैसा आपका अवेलेबल हो जाएगा। हटाना तो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन पे प्रेस करेंगे वो हमारा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टूल की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम क्या होता है, एक फाइल को किसी दूसरे फाइल के साथ हमको अटैच करना है तब हम लोग हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। किसी एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ हमको अटैचमेंट करना होता है तब हम लोग हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ वर्ड को टाइप करते हैं, हमने कुछ वर्ड टाइप किया, अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। फाइल में गए, सेव पे हम लोग क्लिक किए, सेव पे क्लिक करने के बाद ये हम लोग फाइल में टाइप कर देते हैं। टाइप किए फाइल में हम लोग, टाइप करने के बाद सेव पे हम लोग क्लिक किए, वो फाइल उस नाम से सेव हो चुका है। फिर हम लोग फाइल में जाकर न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद जैसे इसमें कुछ हम लोग और टाइप कर लेते हैं नया पेज में, नया पेज में हम लोग टाइप कर लिए। टाइप करने के बाद अब वो जो पहला वाला जो फाइल था जो हमने विजय नाम से सेव किया था, उस फाइल को इस फाइल के साथ हम लोगों को जोड़ना है।
अटैच करना है, तब हम लोग हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं, एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ जोड़ने के लिए। हाइपरलिंक पे हमें जाना है। हाइपरलिंक पे जाने के बाद हमें किसी भी एक फाइल पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस नाम से हमने सेव किया था उस फाइल नेम को टाइप करना है। यहाँ पर नहीं टाइप करना है, यहाँ पर टाइप नहीं करना है, किसी भी ये जो फाइल यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है या जो दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर, किसी भी एक फाइल पे आप क्लिक कीजिए। नॉर्मली क्लिक कीजिए, फिर उस फाइल नेम को टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद तुरंत वो अवेलेबल हो जाएगा। होने के बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए। वो देखिए इस टाइप का आपको ब्लू टाइप में ब्लू लिंक के रूप में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ब्लू लिंक के रूप में। अब इस फाइल की साथ ये फाइल क्या हो गया, अटैच हो चुका है। आपको देखना है तो देखने के लिए ये जो नेम के बगल में डॉट है, डॉट के बगल में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कीजिए। इंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। देखिए वो अटैचमेंट वाला जो फाइल है वो हमारा यहाँ पर खुल गया दिख रहा है। फिर यहाँ से कैंसिल करेंगे तो वो फाइल हम जो फाइल था उस फाइल में आ जाएंगे। इसमें अलग अलग दो फाइल को एक में जोड़ सकते हैं। देखने के लिए आपको उस फाइल को एक एडिशनल फाइल में खुल के रूप में ही खुलेगा। तो इस टाइप में हम लोग हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। उसके बाद है बुकमार्क। बुकमार्क का यूज़ क्या करते हैं, जैसे हम लोग एक प्रकार का हाइलाइटर पेन होता है जिसको हम लोग हाइलाइट करते हैं किसी भी फाइल को, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किए तो होम पे जाकर हम लोग यहाँ से जैसे हाइलाइटेड करते हैं, तो आप इस टाइप में ये क्या होता है, हाइलाइटेड हो चुका है बट ये दिखते रहेगा, ठीक है। तो इस फाइल को हमको मान के चलिए कोई भी सेंटेंस को हमको मार्क करना है, जैसे इसको हमको मार्क करना है, होम को मार्क करना है हमको। तो होम को मार्क करने के लिए सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद बुक मार्क पे जाएंगे आप। बुक मार्क पे जाने के बाद यहाँ पर नाम डालने बोल रहा है कि आप बुक मार्क जो करेंगे करेंगे वो किस नाम से आपको मार्क करना है। जैसे हमको यहाँ पर टाइप करना है, नाम से सेव करना है, जैसे आर के नाम से सेव करना है, तो आर टाइप कर दिए, ऐड पे क्लिक कर दिए, वो हमारा मार्क हो चुका है। अब ये जो सेलेक्ट हमने किया है इसको सेलेक्ट को हटा दीजिए आप। ये उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको टाइप करना है आप टाइप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हाइलाइटर है जो ओनली टाइम जो शो कर रहा है इस बुक मार्क पे, आप जो मार्क करेंगे वो शो अप नहीं करेंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे। अब हमको चाह देखना है कि हमने क्या मार्क किया था, तो बुक मार्क पे आप जाएंगे, उस जिस नाम से सेव किया था उस नाम को सिलेक्ट कीजिए, गो टू पे दबाइए, तो वो चीज़ फिर यहाँ से कैंसिल कीजिए, वो चीज़ मार्क दिखा देगा आपने क्या मार्क किया था और कहाँ मार्क किया था। इस माध्यम से आप मार्क भी कर सकते हो, वो चीज़ हाइड भी रहेगा, ठीक है। ये और इस हाईलाइट जो होम से हम लोग हाईलाइट करते हैं ये तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये दिखते रहेगा, बट जो भी आप मार्क किया सबको जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसको मार्क करके सेव करना है, तो आप इसका इंसर्ट में जाकर बुक मार्क को आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को, कि ये हमारे डाउट है या किसी भी कुछ भी आपको मार्क करना है, तो आप सेलेक्ट कीजिए, मार्क कीजिए, देखने के लिए उस पर क्लिक कीजिए, गो टू पे दबाइए, वो चीज़ हाईलाइटेड हो जाएगा। अब ये जो मार्क है जो सेव किया है इसको हटाना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए उस नाम को, डिलीट पे दबाइए, वो हट चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हेडर। हेडर का काम क्या होता है, किसी भी प्रकार का हम लोगों को हेडिंग देना हो, जिस टाइप में हेडिंग देना हो, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग टाइप का डिजाइन वाला हेडर आप दे सकते हैं। जैसे आप लेटर वगैरह लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं टू द, जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका डिटेल्स डालते हैं, तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आपको लेना है, या कोई भी चैप्टर लिख रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ हेडिंग डालना हो तो उसको आप कर सकते हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर रहे हैं, जैसा आपको पहले स्टाइल लेना है तो स्टाइल पर आप क्लिक कीजिए, वैसा आपको हेडिंग पे आ जाएगा। जैसे हम लोगों को अब माइक्रोसॉफ्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, चाहे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं MS वर्ड,
एमएस वर्ड हमने टाइप किया है, यहाँ से क्लोज हेडर पे क्लिक करेंगे। क्लोज हेडर पे क्लिक करने के बाद वो हेडर क्या हो गया, हट गया, सेव हो चुका है। देखने के लिए कहाँ जाएंगे, फाइल पे हम लोग जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट पे जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं डॉक्यूमेंट को। देखिए इस टाइप में हमारा हेडिंग को सेट हो चुका है। तो इस टाइप में माध्यम से जो भी हेडिंग डालना हो तो आप हेडिंग डाल के आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद है फुटर्स। फुटर का काम क्या होता है कि जो भी आप हेडर का काम हेडिंग देने के लिए, फुटर का काम नीचे होता है, नीचे काम आता है। जैसे आपका पेजेस नंबर हो गया या राइटर्स वगैरह हो गया, तो उसके लिए जिस डिज़ाइन में लेना हो उस डिज़ाइन पे क्लिक कीजिए। देखिए आगे इधर पेजेस नंबर भी आ जाएगा, या जिस राइटर के बारे में या कोई बुक्स का है या चैप्टर का नाम है, यहाँ पर जो भी डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कोई राइटर्स का नाम है तो राइटर्स का भी नाम डाल सकते हैं। जो भी चीज़ डालना है आप एडिशनल से आप टाइप करके डाल सकते हैं। ऐसे कैंसिल करेंगे तो वो चीज़ सेव हो जाएगा। देखने के लिए सेम फाइल पे जाकर, प्रिंट पे जाकर, प्रिंट प्रीव्यू कर पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे आ गया फुटर, ऊपर हेडर। इस माध्यम से आप सेट कर सकते हैं। अब उसको हेडर एंड फुटर को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हेडर पे जाएंगे, यहाँ से रिमूव पर क्लिक करेंगे तो चीज़ रिमूव हो जाएगा। या कोई भी चीज़ चेंजेस करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट हेडर आ गया, खुल गया। यहाँ से जो भी आप चीज़ को और एक्सटर्नल ऐड करना चाहते हैं आप उस चीज़ को भी ऐड कर लीजिए। फिर यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर कीजिए, सेव हो चुका है। देखिए यदि हटाना है तो फिर इंसर्ट टेबल में गए, उसके बाद हेडर पे जाएंगे, यहाँ से रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे वो चीज़ हट जाएगा। फुटर हटाना तो फुटर पे गए, रिमूव फुटर पे क्लिक करेंगे वो नीचे से भी हट जाएगा, देखिए ऊपर से भी हट गया। इस माध्यम से आप ला सकते हैं या हटा सकते हैं। उसके बाद आता है पेज नंबर। पेज नंबर का काम क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सीरियल वाइज में रखने के लिए। आप मान के चलिए प्रिंट आउट निकालिए, डॉक्यूमेंट्स को सीरियल वाइज में सेट करना है, रखना है, तब हम लोग पेज नंबर का यूज़ करते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट्स जो रहे कंटिन्यू सीरीज में रहे, ताकि वो हमें कभी भी काम आ सके। यदि पेज नंबर ऊपर देना है तो टॉप में जाएंगे, टॉप पेज नंबर, जहाँ टॉप पेज नंबर में लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ चाहिए पेज नंबर वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, पेज नंबर वहाँ पर सेट हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल हेडर एंड फुटर करेंगे वो चीज़ सेव हो चुका है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू सीरीज में ब्लैंक पेज लेते हैं, देखिए दो तीन कंटिन्यू चार हेडिंग में आते जाएगा पेज नंबर, ठीक है। फिर यदि पेज नंबर हमको नीचे चाहिए तो फिर पेज नंबर पे हम लोग जाएंगे, बटन पे जाएंगे, बॉटम पेज नंबर्स हमको बॉटम्स में चाहिए लेफ्ट में या राइट में, तो राइट में क्लिक कीजिए, देखिए राइट साइड में आ जाएगा। ऐसे कैंसिल करेंगे, देखिए राइट में सेट हो गया, लेफ्ट में सेट हो चुका है, देखिए ऊपर और नीचे। क्लियर में देखने के लिए फाइल में जाएंगे, प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में है, यहाँ पर लाइट में। हटाना है पेज नंबर तो इंसर्ट में गए, पेज नंबर पर जाएंगे, रिमूव पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज नंबर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। यदि पेज नंबर हम लोग यहाँ से टॉप से दे रहे हैं तो ये स्टार्टिंग ही हमको एक नंबर दो नंबर से शो ऑफ हो रहा है, दिख रहा है, एक नंबर से स्टार्टिंग हो रहा है पेज नंबर। यदि हमको चाहिए 51 से या 100 से या 25 से, यहाँ से तो सिर्फ वन ही पेज आ रहा है। यदि हम न्यू पेज में भी लेके करते हैं तो हमको इंसर्ट में गए, पेज नंबर में गए, टॉप में गए, हेडर पे क्लिक किए, देखिए टॉप में क्लिक किया तो सिर्फ पेज नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है। हमको चाहिए 21 या 51 या 25, 86, तो उस टाइप में हम लोग पेज नंबर अपने से जनरेट कैसे कर सकते हैं, कैसे सिर्फ कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो उसके लिए पेज नंबर में जाएंगे, फॉर्मेट पेज नंबर का ऑप्शन होगा यहाँ पर, फॉर्मेट पेज नंबर पे आप क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेज नंबर खुलने के बाद आप यहाँ पर सेट एट लिखा हुआ है तो आपको जितना चाहिए उतना नंबर टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद ओके कीजिए, वो देखिए उतना से सेट हो चुका है। आप ब्लैंक पेज करते जाइए वैसा सीरीज में आपका पेज नंबर आते जाएगा, देखिए वैसा सीरीज में आते गया पेज नंबर। इसी टाइप में फुटर में चाहिए तो सेम वैसे ही आप कर सकते हैं, पेज नंबर को बटन्स में जाकर आप सेट कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट पेज नंबर पर जाएंगे, फॉर्मेट पेज नंबर पर जाने के बाद अब जो पेज नंबर है अब हमको
टेन से चाहिए तो टेन लिख दीजिए आप, ओके कीजिए तो टेन से सेट हो चुका है। अब पेज नंबर हमको संख्या में नहीं, अब रोमन संख्या में चाहिए या अल्फाबेट में चाहिए, तो फॉर्मेट पेज नंबर में जाएंगे। यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट पे जाकर आप जैसा चाहिए वैसा आप सेलेक्ट कीजिए और कीजिए, वैसा फॉर्मेट में आपका चेंज हो जाएगा। एम एल आ गया, के आ गया, उस फॉर्मेट में आपका पेज नंबर भी चेंज हो जाएगा। हटाना है तो यहाँ पर जाकर रिमूव कीजिए, वो हमारा पेज नंबर हट जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की ओर, टैक्स बॉक्स। टैक्स बॉक्स का काम क्या होता है, जैसे कोई भी साइड में कोई भी नोट्स देना है, जनरेट करना है, तो उस टाइप के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे बुक वगैरह में रहता है, किसी भी कॉर्नर पे कोई नोट्स टाइप में जनरेट करना है, लिखना है, तो उसके लिए हमें जिस स्टाइल में चाहिए वैसे स्टाइल को सेलेक्ट कीजिए, वैसे स्टाइल में आ जाएगा। जो भी नोट्स लिखना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, इसको मिटाकर रेज करके। सेम इसका भी फॉर्मेट का ऑप्शन सेम होता है, जैसे हम लोग सेप्स का था, सेम इसका भी वैसे ही ऑप्शन होता है कलर का। यहाँ से कलर, यहाँ से बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हैं, यहाँ से कोई सेप्स को चेंज कर सकते हैं अलग, यहाँ से इफेक्ट लगा सकते हैं, इफेक्ट का कलर दे सकते हैं, जैसे उसमें था सेम इसमें भी वैसे ही है। जो सेप्स में हम लोग जितना भी पढ़े थे सेप्स, सब इसमें भी वैसे ही है। हटाना तो बॉर्डर में क्लिक, डिलीट। नेक्स्ट टूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का काम क्या होता है, वर्ड आर्ट का काम हम लोग कोई भी चीज़ की स्टाइल्स में हम लोग को लिखना पड़ता है, स्टाइल में देना के लिए इस सब वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं। किसी भी टाइप का स्टाइल में एनिमेट करके कोई भी चीज़ को लिखना है, करना है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं। जिस टाइप का स्टाइल में लेना है, सबसे पहले उस टाइप का डिज़ाइन को आप सेलेक्ट कीजिए, वैसा अपने डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले डिज़ाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद जो चीज़ चाहिए, कंप्यूटर टाइप किया हमने, टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक किया, तो देखिए उस स्टाइल में वो चीज़ हमारा लिखा गया। इस पे हमारा क्लिक है तो देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा, इस वर्ड आर्ट पे क्लिक नहीं है तो फॉर्मेट का ऑप्शन हट चुका है। वर्ड आर्ट पे क्लिक है तो फॉर्मेट का ऑप्शन आया। फॉर्मेट का ऑप्शन आने के बाद आप कोई भी स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं, यदि उसमें ठीक नहीं लग रहा तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या एडिट टेक्स्ट में आप क्लिक कर कर कोई भी नाम को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए टी सी एच कंप्यूटर टेक के लिख दिया हमने, यहाँ से इसका राइटिंग और फॉन्ट लिखा हुआ, यहाँ से आप फॉन्ट को जैसा चाहिए वैसा फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जिस टाइप का चाहिए वैसा अलग अलग टाइप का फॉन्ट है। यहाँ से साइज को आप सेट कर सकते हैं, जितना साइज चाहिए वैसा साइज आप ले सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, सेंटेंस को इटैलिक कर सकते हैं, ओके कर लीजिए, तो उस टाइप में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से आप कलर को भी सेट कर सकते हैं, जैसा कलर का चाहिए वैसा कलर आप डाल दीजिए। ये बॉर्डर का कलर है, आउटलाइंस, जैसे आउटलाइन का कलर डालना है वैसे आप आउटलाइन का कलर डाल देंगे। कलर डालने के बाद बॉर्डर को और डार्क करना, तो फिर यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से जाकर उस बॉर्डर को और डार्कनेस भी कर सकते हैं। यहाँ से चेंज इफेक्ट डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे डिज़ाइन को आपको चेंज करना है वैसा आप डिज़ाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए वैसे टाइप का डिज़ाइन आपका क्या होगा, चेंज हो गया, जैसा डिज़ाइन आपको चेंज करना है वैसे डिज़ाइन आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, जैसे इफेक्ट लगाना है इफेक्ट लगा दिए, इफेक्ट का कलर देना है तो सेम वैसे ही इफेक्ट का यहाँ से कलर दे सकते हैं हम लोग, जैसा कलर डालना है इफेक्ट का वैसा आप इफेक्ट का कलर डाल सकते हैं, और यहाँ से इफेक्ट को मूव भी कर सकते हैं आप। यहाँ से वर्ड आर्ट को आप 3D इफेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे 3D इफेक्ट डालना है वैसा आप 3D मोड में भी आप वर्ड आर्ट को अवेलेबल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। 3D में डालने के बाद इसकी बैकग्राउंड का कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, 3D का बैकग्राउंड कलर जैसा चेंज करना है वैसे पे क्लिक कीजिए, वैसा 3D कलर का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इसका यूज़ हम लोग जैसे इनविटेशंस कार्ड होता है उसके लिए करते हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट्स फाइल मिला तो उसको बनाने के लिए इसका करते हैं, या कोई भी हेडिंग और डिज़ाइन में लिखना है तो उसके लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। जैसे 3D इफेक्ट को भी मूव कर सकते हैं हम लोग, जैसा मूव करना है वैसा मूव कर सकते हैं, यहाँ से इस टाइप का मूव करना है वैसा हम लोग मूव कर सकते हैं। ये पोजीशन, ये रोटेट, सेम वही है जिसको जहाँ रखना है, तो उसके लिए क्लिक कीजिएगा टैक्स में जाकर, स्क्वायर पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद जहाँ रखना है इसको वैसा आप रख सकते हैं। हटाने के लिए क्लिक डिलीट्स।
अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट टूल हमारा ड्रो कैप्स। ड्रो कैप का काम क्या होता है? जो हमारा सेंटेंस टाइप है उस सेंटेंस का सबसे जो फर्स्ट लेटर है उसको हाइलाइटेड करने के लिए, बड़ा करने के लिए ड्रो कैप्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट किए सेंटेंस को, ड्रो कैप्स में गए, उसके बाद जिस टाइप का हाइलाइटेड करना है वो आप इस टाइप को हाइलाइटेड कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि सबसे फर्स्ट कॉल क्लिक किए, देखिए हमारा वैसे हाइलाइटेड हो जाएगा। जिस टाइप का आपको हाइलाइटेड करना है वैसा आप हाइलाइटेड इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद ड्रो कैप्स में ऑप्शनल पे जाकर आप यहाँ से और साइज को और इंक्रीज कर सकते हैं। ये इसका फॉन्ट है, यहाँ से आप फॉन्ट को भी अलग से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ओके कीजिएगा तो देखिए उस टाइप का आप चेंज हो चुका है। फिर इसको नॉर्मल करना, तो उस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ड्रो कैप्स में गए, नॉर्मल पे क्लिक किए तो चीज़ नॉर्मल हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। नेक्स्ट टूल की है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का काम क्या होता है? इस शीट में जैसा हमको डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम चाहिए वैसा आप डेट एंड टाइम पे जिस टाइप का चाहिए, डिटेल्स चाहिए, टाइम के साथ चाहिए, जैसा चाहिए वैसा पे आप क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा डेट एंड टाइम आपके शीट्स पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? देखिए ऑब्जेक्ट का वर्क, हम लोग ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जिस टाइप का सिंबल्स का चाहिए या कोई भी अलग अलग टाइप्स का इसमें वर्क होता है तो हम लोग एक टाइप्स को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको और डिटेल्स करेंगे। यहाँ पर पी दबाकर डायरेक्ट पैकेज पे जाएंगे। पैकेज पे जाने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद किसी भी फाइल को इसके साथ अटैच करना हो तो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग हाइपरलिंक के साथ करते थे इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं। जैसा लेना हो फाइल को, जो भी फाइल को लेना हो तो फाइल को सेलेक्ट कीजिए, ओपन में क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कीजिए, वो उसके साथ अटैच हो चुका है। जब भी देखना है तो उस फाइल पर डबल क्लिक कीजिए तो उस माध्यम से आपको वो फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। ये हमारा फाइल खुल रहा है, देखिए जो भी हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट के माध्यम से इसमें इंसर्ट किए थे वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, ओपन हो रहा है। इस माध्यम से भी आप उस फाइल को अटैच कर सकते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो चीज़ हमारा ओपन करके दिखा देगा, देखिए यही फाइल हमारा अटैच हो गया है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं हाइपरलिंक के माध्यम से, और इस जगह से भी आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टूल के ऊपर बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये हमारे इक्वेशंस। यहाँ से आप जैसे भी कोई भी चीज़ का फार्मूला को जनरेट करना चाहते हैं या क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। सबसे पहले आज तो हम लोग कैसे लाते हैं फार्मूला वो बताएंगे, और किसी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको इसके माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से कैसे कोई भी क्वेश्चंस पेपर को बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं वो हमारा डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा आपको एक अलग से वीडियो में। तो यहाँ पर जिस टाइप का आपको चाहिए वैसे क्लिक कीजिए फार्मूलाज, वैसा फार्मूलाज आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा, डिज़ाइन के माध्यम से भी और भी अलग अलग टाइप के फार्मूला को डाल सकते हैं या जो खाली बॉक्स है उसमें आप लोग जनरेट कर सकते हैं। खाली बॉक्स पे क्लिक कीजिए, जो बॉक्स पे ऊपर पे क्लिक कीजिए, जो डालना है डालिए, नीचे बॉक्स पे क्लिक कीजिए, जो डालना है लिख सकते हैं। अलग अलग टाइप्स का जैसा लेना है आपको वैसा पे क्लिक कीजिए, वैसा वैसा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होते जाएगा, आते जाएगा। हटाना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन पे दबाइए, वो सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं, इंसर्ट में गए। सिंबल। सिंबल का काम क्या होता है? जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग टाइप कर रहे हैं जिसमें कोई भी कॉल का सिंबल चाहिए, व्हाट्सएप का सिंबल चाहिए, एरो का सिंबल चाहिए, जिस टाइप का भी सिंबल चाहिए तो उसको लाने के लिए सिंबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे। मोर सिंबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारा सिंबल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, देखिए ये टेलीफोन का, कॉल का, ये जस्ट एरो मार्क इधर से इंडिकेट करना हो, ये कट का सिंबल, जैसा भी सिंबल लेना हो सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए, वो सब सिंबल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया। यहाँ से आप सिंबल को चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे चेंज करना है यहाँ से सिंबल को चेंज भी किया जा सकता है, जैसे
सिंबल चाहिए, वैसे सिंबल को आप सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए, यहाँ से कैंसिल कीजिए, वो सिंबल आपके पास अवेलेबल हो गया है। यहाँ से सेलेक्ट करके होम पे जाकर आप सिंबल को बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर को चेंज करना है, आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। बोल्ड करना है, सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइनिंग भी कर सकते हैं। सिंबल को हटाना हो सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, हट जाएगा। अब किसी भी सिंबल को हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकट की में कैसे डालें कि बार बार हमको वहाँ पर जाना ना पड़े और हम लोग शॉर्टकट माध्यम से लाकर वर्क कर सकें। हमको बार बार यदि चाहिए कट मार्क वाला, तो बार बार हमको वहाँ पर सिंबल में जाना पड़ेगा, मोड सिंबल में जाना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, इंसर्ट करेंगे तब वो चीज़ आते जाएगा, हमको बार बार क्लिक करके लाना पड़ेगा। तो हमको बार बार वहाँ पर इंसर्ट सिंबल पे नहीं जाना पड़े, तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट की लिखा हुआ है, जिस सिंबल को आपको बार बार यूज है लाना है, वर्क करना है, तो उस सिंबल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की पे जाइए, शॉर्टकट की पे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू शॉर्टकट्स की, यहाँ पर क्लिक करके आप जिस शॉर्टकट की डालना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमने डी डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर एक्सेस कर दिया हमने, यहाँ से कैंसल्स कैंसल, कंट्रोल शिफ्ट डी, जितना बार हम लोग प्रेस करेंगे वो बिना जाए इंसर्ट में सिंबल में जाए हम लोग ला सकते हैं उस सिंबल को, जितना बार दबाएंगे उतना बार हमारा आते जाएगा। ठीक है, अब उस चीज़ को हमको हटाना है सिंबल के रूप में जो हमारा आया हुआ है, उसको अब हम लोगों को हटाना है कंट्रोल शिफ्ट डी के माध्यम से जो आ रहा है सिंबल, अब उससे हमें हटाना है। तब उसके लिए क्या करते हैं, प्रोसीजर लाना तो सीख गए, उसके लिए सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सिंबल में गए, मोर सिंबल में जाएंगे, उसके बाद शॉर्टकट की पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए हमने जो लिया था शॉर्टकट की अवेलेबल है, सेलेक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, यहाँ से कैंसिल कैंसिल हट जाएगा। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे तो नहीं आएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, लाने और हटाने के लिए सिंबल में गए, मोर सिंबल, जिस सिंबल का आपको यूज़ है उस सिंबल को आप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की पे जाइए, शॉर्टकट की करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू लिख दिए हम, लेने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ से फिर क्लोज क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू जितना बार प्रेस करेंगे वो सिंबल हमारा उतना बार आते जाएगा। अब उसको हटाने के लिए किसी एक सिंबल को सिलेक्ट कीजिए, सिंबल में जाइए, मोर सिंबल में जाइए, शॉर्टकट की पे जाइए, उस सिंबल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर रिमूव ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए, अब कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबाइए, वो चीज़ नहीं आएगा। इस माध्यम से हम लोग ला सकते हैं और हटा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंसर्ट टूल्स के बारे में हम लोग जाना, कंप्लीट हमने हर एक चीज़ की एक एक चीज़ की डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया है और कैसे वो वर्क करता है, कैसे काम करता है, वो सारा चीज़ हमने बताया आपको। तो इस टाइप के माध्यम से आप वर्क करके आप कर सकते हैं। इसी टाइप में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेआउट, पेज लेआउट के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका वर्क कैसे करें, कैसे यूज़ होता है, वो कंप्लीट हम लोग जानेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा, सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेट होते हैं। और इसी टाइप की आपको नॉलेजफुल वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए।